हाय गाइस, वेलकम टू द कोड बिहेवियर। सो लारावेल ट्यूटोरियल के इस पार्ट में हम देख रहे हैं लारावेल के व्यू फाइल के बारे में। ठीक है, सो लारावेल क्या है, एमवीसी पैटर्न पे काम करता है। और एमवीसी पैटर्न में फर्स्ट होता है मॉडल, सेकंड होता है व्यू, और थर्ड होता है कंट्रोलर। ठीक है, सो हम इसमें व्यू फाइल के बारे में बात करेंगे कि व्यू होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है इनसाइड द लारावेल। सो गाइज, सबसे पहले हमें क्या करते हैं कि ये हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट है जो हमने डाउनलोड किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लारावेल ट्यूट करके एक फोल्डर बनाया है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको अगर हमें ओपन करना है किसमें, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना है, तो सिंपली आपको टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल कहाँ पे ओपन करना है, आपके प्रोजेक्ट का जो फोल्डर का नेम है उसके अंदर ओपन करोगे, और आप कोड स्पेस डॉट एंटर करोगे। डॉट लिखने के बाद एंटर करोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड के एडिटर में खुल जाएगा। अगर आपके सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है, पहले सॉफ्टवेयर है, तो ही ये खुल पाएगा। ठीक है, सो ये है शॉर्टकट कि कैसे हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं प्रोजेक्ट को वहाँ से, डायरेक्टरी से। सो गाइज, यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे मैं पहले आपको दिखाता हूँ इसको रन करके। ठीक है, अभी अगर इसको हम रन करते हैं यहाँ पे, लेट्स सी। सो यहाँ पे कुछ हमें एरर मिलेगा, ये रन नहीं होगा। ठीक है, ये रन नहीं हो रहा है। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, आप यहाँ पे टर्मिनल ओपन करोगे, टर्मिनल यहाँ पे ओपन है, और आपको लिखना क्या है, PHP आर्टिसन सर्व। सो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे आर्टिसन क्या होता है। ठीक है, आर्टिसन क्या है, एक एक कलेक्शन ऑफ कमांड्स होता है। ठीक है, एक एक तरह से लाइब्रेरी की तरह है इनसाइड द लारावेल, जो कि कलेक्शन ऑफ कमांड्स होते हैं इसमें लारावेल प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, लाइक कंट्रोलर क्रिएट करना, मॉडल क्रिएट करना, माइग्रेशन करना। ठीक है, सो मल्टीपल चीज़ें करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट कमांड प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हमारा जो डेवलपमेंट है थोड़ा ईजी हो जाता है और फास्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हमें PHP आर्टिसन सर्व लिखने के बाद इसको हम एंटर करेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन होने लगा है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यहीं से डायरेक्ट आप कंट्रोल एंटर करोगे इस पर, तो ये डायरेक्ट ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देखते हो कि जो हमारा लारावेल का वर्जन है, वो लारावेल का वर्जन क्या है, वर्जन 9, और PHP का जो वर्जन है 8.1 है। ठीक है, सो अभी हम लारावेल 9 पे हम काम कर रहे हैं। ओके, सो ये जो हमारा यहाँ पे पेज शो हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ये क्या है, ये है व्यू फाइल। ठीक है, क्योंकि जो भी हम क्लाइंट को दिखाते हैं वो कौन सा फाइल होता है, व्यू फाइल होता है। व्यू फाइल में जो कोड होते हैं, जो डेटा होता है, वो हम शो करते हैं। ओके, सो लेट्स सी वेयर इज़ द व्यू फाइल। सो व्यू फाइल कहाँ पे होता है, हमने आपको मॉडल, व्यू, कंट्रोलर तीनों दिखाया था। तो आपको सबसे पहले आपको जाना है रिसोर्स, रिसोर्स फोल्डर ये है, सॉरी ये है रिसोर्स फोल्डर, और रिसोर्स फोल्डर में व्यूज़ के अंदर जाना है, और यहाँ पे वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP है यहाँ पे। ठीक है, अब आप कोई चीज़ मैच करना चाहो, जैसे यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप इसे कॉपी करके यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे आप देखोगे तो कहाँ पे है, ये है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, सो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, और भी जो चीज़ें, लारा कास्ट है यहाँ पे। सो जितनी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, सो हम यहाँ पे मैच कर सकते हैं कि सेम फाइल ये है। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है, जैसे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, सो हम इसको -1 करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी वेदर इट इट चेंज और नॉट। सो इसको हम सेव करते हैं और हम इसको रन करते हैं फिर से कि ये चेंज हुआ कि नहीं। सो हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन -1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसको हम कंट्रोल जेड करते हैं, एक नई फाइल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं व्यू के अंदर। ठीक है, सो सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बता देना चाहूँगा कि आप, जैसे आपने कोडिंग राइटर देखा होगा या फिर अदर नॉर्मल कोर PHP भी देखा होगा, तो जो हमारी फाइलें होती हैं PHP में .php होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो यहाँ पे क्या है कि जो लारावेल है वो ब्लेड टेम्पलेट इंजन यूज करता है फॉर दी व्यू फाइल। ठीक है, सो ब्लेड फाइल होती क्या है उसके बारे में देख लेते हैं हम। सो ब्लेड जो होता है, ब्लेड टेम्पलेट इंजन जो होता है, ये एक टेम्पलेट इंजन है। ये क्या है, एक पावरफुल टेम्पलेट इंजन है। ठीक है, ये क्या करता है कि जो सिंटैक्स राइटिंग है व्यू फाइल में, व्यू फाइल में क्या होता है कि हमें ये नहीं होता कि केवल हम HTML लिखते हैं इसमें, CSS, PHP। मेन क्या होता है कि जो बैकएंड से कोड आते हैं उनको हम लिखने के लिए PHP कोड हमें इसमें एम्बेड करना होता है। सो ये क्या करता है, सिंटैक्स को वेरी बहुत ही सिंपल बनाता है इनसाइड द ब्लेड फाइल टू राइट द PHP कोड। ओके, और ये क्या है कि जैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स लिखते हैं, लाइक फॉर ईच लूप, इफ एफ एल्स हो गया,
तो वाइल लूप हो गया। तो इन सब लूप को लिखने के लिए क्या करता है, एक कन्वीनियंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा जो डेवलपमेंट है बहुत ही आसान हो जाता है। ब्लेट ब्लेट टेम्पलेट इंजन इज अ फास्ट इन रेंडरिंग व्यूज़। ये क्या करता है, जो व्यू फाइल है इसको क्या करता है, जो हम रेंडर मतलब जब भी हम इसे हम ब्राउज़र पे सर्च करते हैं या ब्राउज़र पे लोड करते हैं तो फास्ट रेंडरिंग होता है, मतलब फास्ट लोड होता है। क्यों होता है, बिकॉज इट कैशेज द व्यू अंटिल देम आर मॉडिफाइड। सो अगर आप एक बार व्यू यहाँ पे लोड कर देते हैं तो इसके क्या करता है, ये कैशे क्रिएट कर लेता है, ठीक है। और कैशे में क्या होता है कि जो हमारा डेटा है वो पहले से ही पड़ा रहता है, जैसे ही हम लोड करते हैं तो कुछ डेटा उधर से आता है और कुछ डेटा हमारे सिस्टम में कैशे के फॉर्म में पड़ा होता है और वो बाय डिफॉल्ट लोड हो जाता है। सो लोडिंग स्पीड भी बढ़ जाती है बिकॉज ये कैसे क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ ब्लेड टेम्पलेट इंजन। ओके, सो नेक्स्ट हम जो व्यू फाइल बनाएंगे उसमें भी हम यहाँ पे हम फाइल का नाम लिखते हैं यहाँ पे यूजर डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है, ये हमने लिख लिया। सो यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, लाइक HTML टैग ही हम लिख देते हैं, ठीक है, HTML टैग। और यहाँ पे बॉडी टैग में हम लिखते हैं H1 में, लाइक वेलकम टू दी यूजर पेज, ठीक है, वेलकम टू दी यूजर पेज। यू को हम यहाँ पे कैपिटल लिख देते हैं, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, एक हमारे पास राउट में web.php, ये हमारे पास एक राउटिंग की फाइल होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे URLs होते हैं, URL मतलब ये जो प्रोजेक्ट के URLs होते हैं, उन सभी के राउट मतलब जितने भी राउट होते हैं उनको यहाँ पे हमें क्या करना होता है, रजिस्टर करना होता है, ठीक है। सो इसके लिए हम बनाते हैं ये जो बाय डिफॉल्ट हमारा है कि अगर आप प्रोजेक्ट रन करोगे तो कौन सा पेज खुलेगा, ये वेलकम जो हमारा यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्लैश यूजर लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हम फाइल अपलोड करेंगे, व्यू फाइल, यू कैन ऑल्सो से ब्लेड फाइल, ठीक है, लारावेल में आके आप व्यू फाइल को ब्लेड फाइल आप बोल सकते हो, तो ब्लेड का सिंपल सा मतलब होता है कि आप व्यू फाइल के ही बारे में बात कर रहे हो। सो इसको हमने सेव कर दिया और अभी हम रन करते हैं तो ये हमारा होम पेज लोड हो रहा है। और यहाँ पे आप स्लैश यूजर लिखोगे तो यहाँ पे जो आपका यूजर पेज है वो यहाँ पे लोड हो गया, वेलकम टू दी यूजर पेज, ठीक है गाइज। सो गाइज आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, जिससे कि आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस की अपडेट पहले मिल जाए। सो गाइज आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ब्लेड फाइल है, सो ब्लेड फाइल क्या होता है, फास्ट और इजी डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके कुछ राउटिंग के बारे में, लाइक जैसे आप यहाँ पे राउटिंग देख रहे हो, ठीक है, ये राउटिंग है हमारा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आप बेसिक चीज़ देखना चाहोगे तो रिटर्न व्यू, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट व्यू जो हमारा व्यू फाइल है, जो हमारा वेट ब्लेड फाइल है उसको ही हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम राउटिंग के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।